सब माहौल ठंडा था, बॉडी बिल्डिंग पूरी स्टॉप हो गई थी। और उसमें ही बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सुभाष खामकर को प्रो कार्ड मिलने के बाद किधर गायब हो गया, रिटायर हुआ क्या। कोई बोल रहा है इंजुरी हो गई, कोई बोल रहा है हेल्थ इश्यू हो गया, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। किसी ने तो बोला है कि हार्ट अटैक हो गया। जस्ट प्रो कार्ड मुझे 2018 में मिला और मैंने तैयारी की थी जापान प्रो की और उसको मैं जाने ही वाला था। उसी टाइम पे मेरा प्रॉब्लम हो गया वीजा की वजह से, मुझे वीजा नहीं मिला और वो कंपनी से मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। उसके बाद में इंटर हो गया कोरोना, तो वहां से वर्कआउट जो बंद रहा वो 1.5 साल तक वर्कआउट बंद ही रहा। बाकी सब घरों में थे लेकिन मैं घर में नहीं था। मैं आप सभी को मालूम है मैं ऑफिसर हूँ, मेरा गवर्नमेंट के साथ मेरा जो एक्टिविटी होती है उसमें मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। तो सब 1 साल जब सब घर में थे तो मैं फील्ड पे वर्क के लिए था, काम करने के लिए मैं बाहर था। मेरी फैमिली जो थी, मेरे छोटे बच्चे, वो सिर्फ 1.5 साल का था, तो डर था कि उसे कुछ ना हो जाए, तो इसके लिए उनको मैंने शिफ्ट किया था कोल्हापुर में और मैं इधर ड्यूटी कर रहा था मुंबई में। तो बहुत सारे दिक्कतें हुई, हर किसी को दिक्कतें हुई, तो वो टाइम पे मेरा डाइट बीट सब पूरा शेड्यूल ही बिगड़ गया। स्टार्ट भी किया तो दोस्तों कैसा है, मेरे लाइफ में मैंने जिंदगी में इतने अभी तक की इतना वर्कआउट कभी मिस नहीं किया है। तो जो इतना मेरा 1.5 साल में वर्कआउट बंद हो गया, तो दोस्तों ये सब चीजें करते टाइम और उस 1.5 साल में ना अच्छे से डाइट हो पाया, ना अच्छे से वर्कआउट हुआ, मतलब हेल्थ अपना अच्छी तरीके से नहीं रहा वो टाइम पे। तो उसका जो है वो मुझे प्रॉब्लम 1.5 साल के बाद जब मैंने वर्कआउट चालू किया तभी पड़ा। जैसे वर्कआउट मैंने स्टार्ट किया तो मेरी लोअर बैक की इंजुरी हो गई और वो इंजुरी इतनी खतरनाक थी कि मैं वर्कआउट कर रहा था तो मुझे वो स्ट्रेचर पे लेके डॉक्टर के पास लेके गए, वहाँ पे सब मुझे ये किया, तो उसमें मेरा कम से कम 3 महीना गया। तो उस 3 महीने तक मैं कुछ नहीं कर पाया, उसके बाद में भी डॉक्टर ने बोला कि तो तुम्हारा वर्कआउट जो बहुत दिनों से बंद था उस चीज़ की वजह से इंजुरी हुई है।
से मेरा 3 महीना वो गया, उसके बाद में भी मेरा वर्कआउट अच्छे से नहीं कर पाया। ये हो गया स्टार्टिंग का, मतलब इसमें मेरा गया 2 साल। अभी ये साल में जस्ट अभी तैयारी करने की कोशिश कर रहा था, उसी टाइम पे वापस मेरे मसल की इंजुरी एक हो गई, और उसमें थोड़ा सा वो प्रॉब्लम था कि वर्कआउट में जैसे स्क्वाटिंग मीटिंग करता था तो वो ज्यादा डैमेज हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि अपन देखते हैं। तो 3 महीने तक सभी डॉक्टरों के साथ वो बात हो गई, सब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ नहीं हुआ। तो लास्ट में डॉक्टर ने बोला कि इसका छोटा सा सर्जरी करना पड़ेगा। तो वो सर्जरी मैंने अभी हाल में कुछ 10 दिन पहले की, और उसमें से अभी रिकवरी मेरा चालू है। डॉक्टर ने बोला कि 1 महीना तक तो रुको, उसके बाद में वर्कआउट चालू करो। तो दोस्तों अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से रिकवरी करके अभी जैसे बाहर आऊँगा तो मेरा जो आगे का जो बॉडी बिल्डिंग का टारगेट है उसकी तरफ मैं ध्यान देने वाला हूँ, उसकी तैयारी करने वाला हूँ।